जैसे आपको जानकारी है कि बहुत लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक लंबी मांग थी। उस सपने को पूरा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी, उसको लेकर बड़े निर्णय आज दो किए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ₹750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी, वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा, इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा, लेह कारगिल वगैरह सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। तो ₹750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा।